हेलो एवरीवन, गर्गल एक्सी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट पैनी। तो पैनी इस वीडियो में हमारा साथ देने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे मीशो ऐप का यूज़ करके एक मल्टीपर्पज़ रैक ऑर्डर किया है, जिसका रिव्यू मैं आज करने जा रही हूँ। गाइस, मैंने मीशो ऐप के बारे में काफ़ी सुना है, तो मैंने सोचा कि उसके एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मीशो ऐप का यूज़ करके पहली बार ऑर्डर प्लेस किया है, जो कि एक मल्टीपर्पज़ रैक है, या आप इसे तवा और चौका बेलन का स्टैंड भी कह सकते हैं। तो चलिए ओपन करके इसे देख लेते हैं। तो गाइज, ओपन करने के पहले मैं आपको मीशो ऐप के बारे में बता देती हूँ। मीशो ऐप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप मीशो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फीड करनी होगी, देन इसके बाद आपका मीशो ऐप चलने लगेगा। तो इस तरीके से कुछ होते हैं इसके पेजेस। सिंपल, आप सर्च पे जाके जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उसको सर्च कर सकते हैं और आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो मैंने इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं, क्लोथ्स, ज्वेलरी, होम डेकोरेशन एंड किचन, काफ़ी वेराइटीज़ है और बहुत ही आसान है इसे इसमें शॉपिंग करना। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, रीजनेबल रेट है काफ़ी, और इवन आपको रिव्यू भी मिल जाते हैं, रियल इमेज भी मिल जाते हैं, रेटिंग्स, रिव्यू, और एक ही प्रोडक्ट जो है कितने सेलर कौन कौन से रेट पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी आपको दिख जाता है। साथ ही रेटिंग भी दिख जाती है उन सेलर्स की, कि उन सेलर्स की रेटिंग क्या है। तो और इसमें इमेज जो होते हैं वो भी 2 से 3, 4, 5 इमेज होते हैं, जिसमें आपको डायमेंशन का भी इमेज ऐड मिल जाता है, डायमेंशन का इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है। तो हर में तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे में होता है नॉर्मली। तो मुझे ये ऐप काफ़ी पसंद आया और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अपना कोई पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर आप लेना चाहते हैं, ये है तो ये बिज़नेस के लिए, लेकिन आप पर्सनली अपने यूज़ के लिए भी प्रोडक्ट इसमें से मंगा सकते हैं। तो चलिए ओपन करके देखते हैं ये प्रोडक्ट। आज पैनी बहुत मूड में है, बहुत खेलने के मूड में है, तो उसने मुझे बिल्कुल छोड़ा नहीं है पूरी वीडियो में। देखिए, पूरे टाइम साथ में है ये। तो गाइस, पैकेजिंग बिल्कुल बहुत ही गंदी पैकेजिंग है ये, लेकिन चूँकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना डेलिकेटेड नहीं है, तो कोई टेंशन की और बात नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। और ये जो ऑर्डर है मुझे 7 से 8 दिन में रिसीव हुआ है। मीशो ऐप की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें आपको शिपिंग चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगते। हाँ, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन इट्स ओके। अगर आपको बहुत इमरजेंसी नहीं है किसी चीज़ की, तो आप डेफिनेटली मीशो ऐप से मंगा सकते हैं। यहाँ पे जॉइंट्स देख सकते हैं, ये जॉइंट्स जो है काफ़ी स्मूथ हैं, वेल्डिंग इसमें काफ़ी अच्छी हुई है, स्टील की क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। साथ ही यहाँ पे जो एक जो स्टील है वो काफ़ी मजबूत लग रही है। यहाँ पे आपको हैंगिंग के लिए भी सपोर्ट मिल जाता है, अगर आप इसे हैंग करना चाहते हैं तो हैंग भी कर सकते हैं, और इसमें स्टैंड भी है। अगर आप हैंग नहीं करना चाहते, इसे प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो उसके लिए ये बेस्ट रैक है, क्योंकि जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत कम, और किचन हम खुद यूज़ कर रहे हैं, अगर मैस से खाना नहीं मंगा रहे हैं तो, या तो मैस से मंगा भी रहे हैं तब भी हम जो बर्तन यूज़ करते हैं बहुत कम होते, 2-4 प्लेटें 5 प्लेटें और 1-2 ग्लास के कप, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें आराम से आपके 4 से 5 प्लेट्स आ जाएंगी और 2 कप के लिए हुक्स तो बने हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैं तो इसे चौका, बेलन और तवा रखने के लिए यूज़ करूँगी। देखिए, पैनी को अपनी चीज़ मिल गई है, उसे एक जो खाली कार्टन्स होते हैं ये काफ़ी पसंद आते हैं। नाउ शी इज़ हैप्पी। तो चलिए अपने वीडियो पे वापस आते हैं।
तो नीचे की तरफ भी जो रॉड्स लगे हैं वो काफ़ी स्मूथली इसमें वेल्डिंग हुई है, और ये जो है स्टैंड का जो पैर है वो उसमें कैप लगा हुआ है रबर का, जिसकी वजह से ये स्लिप नहीं होता, काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है आपके प्लेटफॉर्म पे, ग्रिप बनी रहती है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसकी जो वेल्डिंग है वो बिल्कुल स्मूथ है, कहीं भी रफ़ वेल्डिंग नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि रफ़ वेल्डिंग होती है जिसकी वजह से हमको काम करते वक्त थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और काफ़ी स्पेशियस है, अगर आप चौका बेलन और तवा रखने के साथ साथ अगर एक पैन भी रखना चाहें तो पैन भी रख सकते हैं, और अगर आपका चौका पतला है तो उसके साथ आप एक ही जो एक ही शेल्फ है उसमें आप बेल चौका और तवा दोनों रख सकते हैं, और पीछे वाले रैक को आप प्लेट्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या और भी कुछ भी चीज़ यूज रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छा है। आज पैनी ने बहुत मस्ती कर ली है। तो गाइज मीशो ऐप मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें और भी रेंज है ज्वेलरी के, क्लोथ्स के, तो वो सब भी मैं कभी ट्राई करूँगी, तो उसके रिव्यू वीडियो ज़रूर डालूँगी। और ये जो स्टैंड है ये मुझे 385 रुपीज़ में, जो इसका MRP था वो 385 रुपीज़ था, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मीशो ऐप पर इंस्टॉल करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपको अप टू 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो जो कि मुझे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, इसलिए इसे ये मुझे 285 रुपीज़ में मिल गया। तो 285 में इतना अच्छा रैक, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ड्यूरेबल, काफ़ी मजबूत लग रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे स्मूथ है, हर हर जॉइंट स्मूथ है इसमें। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रफ जॉइंट है, एक जो जॉइंट है वो मुझे थोड़ा रफ लगा, बहुत ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा सा रफ है ये एक जॉइंट, बाकी सारे जॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे तो ये रैक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही पसंद आ रहा है। तो चलिए अब मैं इसमें अपने तवा चौका बेलन रखकर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं ये रेस्ट के लिए है, इसमें जब आप चौका या बेलन रखते हैं तो ये यहाँ पर टिक कर इस तरीके से आपका जो चौका और बेलन है वो आगे की तरफ स्लिप होकर नहीं गिरेगा। तो देख सकते हैं मेरा जो चौका है वो काफ़ी पतला है, बहुत ही आसानी से आ गया है, फिर भी इसमें स्पेस बचा हुआ है, आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे मैं बेलन इस तरीके से रख रही हूँ, और जो चिमटा है वो रखने की जगह नहीं है तो मैं इसे एडजस्ट कर दे रही हूँ इसी में, इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छा है ये, बिल्कुल स्लिप नहीं हो रहा है, इतना हैवी इसमें सामान रखे हुए हैं लेकिन फिर भी ये बहुत स्लिप नहीं हो रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और जो हुक जो दिया है इसमें ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है लगाने के लिए, तो इतना जो वेट है वो आसानी से बियर कर लेगा। तो गाइस ये मुझे बहुत अच्छा लगा स्टैंड, और आगे भी अगर मैं मीशो ऐप का यूज़ करके कोई और प्रोडक्ट मंगाती हूँ तो मैं ज़रूर उसका रिव्यू डालूँगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।